नमस्कार, और आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती। उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को रुधौली विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी अशोक मिश्रा ने नामांकन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान बसपा प्रत्याशी ने कहा कि विकास उनकी प्राथमिकता होगी। यहाँ देखें खास रिपोर्ट, और बस्ती समेत देश दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। स्टार्ट करिए आप सर, जो हाँ आज आपने अपनी पार्टी से जो है नामांकन किया, जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को अच्छी सरकार चुने, साफ सुथरी सरकार चुने, और ख़ास करके मैं अपने रुधौली विधानसभा की जनता से अपील करूँगा कि एक ऐसी सरकार में सहयोग करें जो अच्छा काम कर सके और जनता के बीच में जा कर के जो शोषित वंचित और गरीब लोग हैं उनका उद्धार हो, कल्याण हो। जिस तरह से धोली को लूटा गया वो दोबारा ना हो। सरकार का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं? विपक्ष के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैं चल रहा हूँ, क्षेत्र में चल रहा हूँ, सड़कों का जो निर्माण हुआ है, गड्ढा मुक्त करने की जगह पर गड्ढा बन चुका है। अब इससे बुरी हालत और क्या होगी? आप भानपुर से पिरेला तक आप चले जाइए, हमको लगता है आपकी रिम टेढ़ी हो जाएगी। आप महुआरा से कस्बापुर तक चले जाइए, हमको नहीं लगता है कि आपकी गाड़ी